चुनौतियों से किस तरीके से प्रशासन पार पाता है ये भी देखने वाली बात होगी। और बड़ी खबर आपको बता दें कि किसान आंदोलन का आज 38वां दिन है, निर्णायक संवाद का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 48 घंटे बाद किसान सरकार में संवाद होना है, वकीलों से राय के बाद किसान जो है अपनी रणनीति तय करेंगे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रणनीति बताई जाएगी कि अगला कदम क्या होने वाला है किसानों का। 48 घंटे माने जा रहे हैं कि सुलह हो जाएगी, क्योंकि दो पॉइंट रितिकत है जिस पर मंजूरी हो चुकी है सरकार। एमएसपी पर जो कानून लाने की बात हो रही है उस पर वक्त मांग सकती है, तो थोड़ा सा वक्त जरूर मांगा जा सकता है, लेकिन दो पॉइंट पर भी बात बन जाएगी ये उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, और साथ ही जो कि कमेटी बनाने की बात कही गई थी, कमेटी में को लेकर भी सरकार ने कहा है कि आप अपने किसान नेताओं की बात बताएं। हितेन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हितेन का हम रुक कर लेते हैं क्योंकि लगातार सिंघू बॉर्डर से पल पल की अपडेट वो हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर ही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी चलेगी जो कि पिछले दो दिन से लगातार जारी है। सबसे पहले हितेन अपडेट बता दीजिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है कितने बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और क्या मानकर चला जाए कि इस कॉन्फ्रेंस में वो पूरा ड्राफ्ट किसान नेताओं की तरफ से रख दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि हाँ हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे सरकार के सामने? बिल्कुल, देखिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 12:30 की वो सिंघू बॉर्डर पर नहीं होने जा रही है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो पहली बार सिंघू बॉर्डर पर नहीं हो रही है। 38 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को और 38 दिनों में लगातार यही पे सिंघू बॉर्डर पर रणनीति बनती रही और यही पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी रणनीति जो है वो देश के सामने रखते गए, सरकार के सामने भी रखते गए। लेकिन आज पहली बार प्रेस क्लब में सेंट्रल दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि यहाँ से वो 7 नेता जो सरकार से, जो 40 नेता विज्ञान भवन पहुंचते हैं सरकार से बातचीत करने, उनमें से सिर्फ 7 नेता जो है वो मंत्रियों से बात करते हैं, बाकी सब अपनी सहमति जताते हैं। तो वो 7 नेता जो है वो यहाँ से अब थोड़ी देर में रवाना होंगे सेंट्रल दिल्ली में, उनके जो वकीलों की पैनल है उनसे वो चर्चा करेंगे। एक ड्राफ्ट बना जो कल बनाया हुआ है वो ड्राफ्ट वकीलों की टीम के सामने रखा जाएगा और वहाँ से फाइनल किया जाएगा। उसके बाद ही वो 12:30 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणनीति साफ कर देंगे। हालांकि देखिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी कि 4 तारीख को अगर अंत नहीं आया आंदोलन का तो 6 तारीख से आंदोलन तेज किया जाएगा। लेकिन कल जिस तरीके से हिंदुस्तान ने सबसे पहले खबर बताई थी कि इसी किसान आंदोलन के बीच जब बैठक 3 बजे यहाँ शुरू हुई थी तब कुछ नेता, अधिकतर नेता जो है वो सरकार के समर्थन में आ चुके थे, वो चाहते थे कि समिति बने और समिति से समाधान का रास्ता जो है, आधा दरवाजा जो खुलना बाकी है वो आधा दरवाजा भी जो है 4 जनवरी को खुल जाए। और यही कोशिश जो है लगातार उन नेताओं की है कि जो बाकी नेता है जो अभी भी अड़े हुए हैं, जिद पर अड़े हुए, उन्हें मनाया जाए और जल्द से जल्द आंदोलन को खत्म किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की राजनीतिक साजिश का आरोप ना लगे। और उसी के तहत अब देखिए सिर्फ 48 घंटे बचे, 4 जनवरी को मीटिंग होनी है, 48 घंटे पहले ये काफ़ी अहम बैठक होनी है लीगल सेल के साथ, क्योंकि ये किसान जो है वो लगातार अपने वकीलों की फौज के साथ जो है संपर्क में है और उन्हीं के जरिए जो है वो हमेशा अपना ड्राफ्ट बनाकर विज्ञान भवन भी जाते नजर आए। देखिए प्रत्युष भी लगातार गाजीपुर से मौजूद है। प्रत्युष देखिए आज जब पहली बार किसी बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की जगह ये सेंट्रल दिल्ली में प्रेस क्लब में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे 12:30 बजे, क्योंकि वहाँ उनके वकीलों की फौज के साथ वो पीसी के पहले अपनी चर्चा करेंगे और ड्राफ्ट को जो है वो फाइनल करेंगे। तो क्या लगता है कि कल जिस तरीके से अधिकतर किसान नेता जो है वो सहमति बना चुके थे कि सरकार के साथ आगे बढ़ना है, तो क्या पूरी तरह से एकमत हो चुके हैं ये, इसीलिए ये सेंट्रल दिल्ली पहुंच रहे, वकीलों से मिल रहे, वकीलों से सलाह ले रहे और ड्राफ्ट फाइनल करके सारी रणनीति देश के सामने रखने जा रहे हैं? हितेन देखिए उनको एक बीच का रास्ता तो रखना ही पड़ेगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातचीत वहाँ पर होगी, जो जवाब वहाँ पर किसान नेता देंगे, उसमें एक बातचीत के लिए बीच का रास्ता उनको इसलिए भी रखना पड़ेगा कि अगर आप साफ साफ ये कह देंगे कि कानून वापसी के बिना बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है, फिर 4 जनवरी को बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उन्हें बल्कि ये कहना पड़ेगा कि हम इस पर सरकार से बातचीत करने को हम एग्री हैं। अब ये प्रक्रिया, क्योंकि आपने देखा होगा जो 4 एजेंडे लेकर 30 तारीख को वो गए थे, उसमें एक बात थी कि कानून की वापसी और इसकी प्रक्रिया और समय सरकार बताए। तो
तो सरकार तो ये नहीं कह रही है कि 4 तारीख अंतिम तारीख है। आपने देखा होगा कृषि मंत्री का बयान, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 4 तारीख को ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। ये कोई अंतिम तारीख या डेडलाइन नहीं है, ये बातचीत की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो कि आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी का मतलब है कि 4 तारीख के बाद भी बातचीत हो सकती है। क्या इस बातचीत के लिए किसान नेता तैयार होंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको ये बात बतानी पड़ेगी। कमेटी की जो बात सरकार की तरफ से की गई थी, और एक अच्छा सुझाव भी था, क्योंकि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ये कह रही थी कि एक कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी के लिए ये किसान नेता एग्री है कि नहीं है, क्योंकि उस कमेटी में किसान नेता भी होंगे, उस कमेटी में सरकार के मंत्री भी होंगे, उस कमेटी में प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे, कृषि विशेषज्ञ भी होंगे। तो वो इन सब बातों पर, बिंदुओं पर चर्चा करेगी कि कानून में जहां इनको चिंता शंका है, बार बार देखिए यही बात सरकार कह रही है, कानून वापसी तो नहीं हो सकती, लेकिन जो चिंता समाधान है उसको दूर करने के लिए हम मिल बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, ताकि आपकी शंकाओं को हम दूर करें। तो इतना स्कोप तो किसान नेताओं को छोड़ना पड़ेगा, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देखना पड़ेगा कि वो स्कोप किसान नेता छोड़ रहे हैं या नहीं हो रहे, नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर इसको कुछ भी नहीं रह जाएगा, तो पता चला कि आप 2 कदम आगे बढ़े, लेकिन 4 तारीख को जाकर पता चला कि 2 कदम आपने वापस पीछे खींच लिया और बात जस की तस हो गई। लेकिन ये कोई नहीं चाहता, ज्यादातर किसान नेता भी नहीं चाहते, ना ही सरकार चाहती है। वो चाहती है कि जब 2 कदम हम आगे बढ़ गए हैं, 50%, आपको याद होगा उस दिन कृषि मंत्री ने क्या कहा था कि 50% समाधान हो गया, 50% ही बचा हुआ है, तो वो 50% 48 घंटे के बाद जो बैठक होने वाली है उसमें भी वो पूरा हो जाए, 100% हो जाए। हम तो यही उम्मीद करेंगे, हम क्या पूरे देशवासी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो जाए, ताकि अन्नदाता जो सड़कों पर बैठे हैं वो अपने घर वापस चले जाएं। हितेन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए प्रत्युष, आपने जिस तरीके से कहा कि अगर 4 तारीख को जब ये यहाँ से ड्राफ्ट को लेकर पहुँचेंगे, तो बातचीत जो है हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 दौर में और बढ़े। और उसी तरह कल रात में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान भी था, वो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, वो कोई ज्योतिषी नहीं है कि वो भविष्यवाणी कर दे कि 4 तारीख को जो है आंदोलन का आखिरी दिन होगा, क्योंकि सरकार को भी अभी तक जो है उम्मीद नहीं है। सरकार ने जो है पिछली मीटिंग में 30 तारीख को साफ साफ कह दिया था कि हम लिखित में तभी देंगे जब तक आप आंदोलन का अंत नहीं लाएंगे, तब तक आप एक तारीख बता दीजिए कि आंदोलन कब खत्म करेंगे, तब तक अंत नहीं लाएंगे। देखिए, अगर ये सारे नेता 40 के 40 नेता अगर एकमत भी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम समिति के लिए तैयार हैं, हमें अब संशोधन करना है क्योंकि आप हमारे हिसाब से जो है कानून बनाने को तैयार हो चुके, तो हम समिति के लिए तैयार है, तब भी सरकार जो है समिति के लिए तैयार एक ही बात पर होगी, सबसे पहले इन किसानों को मनाया जाएगा कि आप समिति के लिए तैयार है, बहुत अच्छी बात है, समिति हम बनाते, आप बताइए आपकी तरफ से कौन होंगे, हमारी तरफ से कौन होंगे, वो बता दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले इन किसानों को अपना आंदोलन खत्म करना पड़ेगा, जो सड़कों पर पिछले 38 दिनों से वो बैठे हुए, वो सड़कें खाली करनी पड़ेगी, वहाँ फिर एक बार गाड़ियाँ दौड़ानी शुरू करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो समिति का गठन होगा और उसके बाद ही वो समिति में जो है बातचीत शुरू होगी, समिति की बातचीत शुरू होगी और इस पूरे मसले का जो है समाधान लाया जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि अगर ये समिति के लिए तैयार भी होते, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये आंदोलन खत्म करने को भी तैयार होंगे या नहीं, क्योंकि अगर समिति का गठन हो रहा है तो सबसे पहले इन्हें आंदोलन खत्म करना होगा। प्रत्युष, देखिए, इसीलिए लगातार जो है ये किसान नेता भी जो है अपने लीगल टीम की सलाह ले रहे, वो जो ड्राफ्ट उन्होंने यहाँ कल बनाया हुआ था उस ड्राफ्ट को अपने वकीलों की फौज से ही वो फाइनल करवा रहे, ताकि किसी भी प्रकार की आगे कोई गड़बड़ी ना रहे। देखिए, ये भी पुख्ता तौर पर निश्चित होकर जाना चाहते हैं सरकार से बातचीत करने के लिए, क्योंकि अब से ठीक 6 दौर की बैठक में जो है लगातार यही देखने मिला था कि यस और नो, हाँ या ना, आप बताइए कानून रद्द होगा या नहीं होगा। लेकिन 7वीं बैठक जो है वो सकारात्मक माहौल में हुई, किस तरह सकारात्मक माहौल में थी वो सबने देखा, पूरे देश ने देखा, जी हिंदुस्तान ने सबसे पहले देश को दिखाया कि किस तरीके से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ये किसानों के साथ लंगर चखते नजर आए, चाय पर चर्चा होती नजर आई, और अंदर से लगातार राकेश टिकैत भी जो है वो ट्वीट करते नजर आए कि माहौल सकारात्मक है, उम्मीद है कि सरकार समाधान की राह पर चल रही है। तो ये सब माहौल जो है फिर एक बार 4 तारीख से बना रहे, इसी की कोशिश जो है लगातार किसान भी कर रहे और सरकार भी कर रही है। लेकिन जो तस्वीरें पिछले 2 दिनों में प्रत्युष जो देखने मिली है, वो ये 48 घंटों के भीतर ना हो, ये कहीं ना कहीं सरकार और किसान इन दोनों को ध्यान रखना होगा। प्रत्युष,
देखिए इतने पराली को लेकर और बिजली को लेकर जो किसानों के मन में जो चिंता थी, जो शंकाएं थी, उसको सरकार ने उस दिन की बैठक में दूर कर दिया। सरकार ने कहा कि चलिए इन दो मुद्दों पर तो हम पहले भी कर रहे थे, विचार करेंगे, इन दो मुद्दों पर हम आपसे सहमत हो गए, हम इस पर एग्री हो गए। अब सवाल ये है कि जो समिति की बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि जो कानून वापसी और MSP को एक्ट बनाने की बात है उस पर किस तरीके से क्रमवार तरीके से एक प्रोसेस के तहत आगे बढ़ा जाए, इसके लिए समय लिया जाएगा ताकि किसानों का भी व्यू उनका आ जाए, उसमें जो कृषि के विशेषज्ञ हैं वो भी अपनी राय दे सकें। इन सब बातों के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। और ये बात हितेन बिल्कुल सही आपने कही कि देखिए इन सब चीज़ों में ऐसा नहीं है कि एक या दो दिन में सारी चीज़ें हो जाएंगी, इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, यानी कि एक टाइम फ्रेम होगा। उस दौरान सरकार किसान से ये कहेगी कि आप लोग अपने आंदोलन को खत्म कीजिए, यानी कि आप जो सड़कों पर जितने भी किसान बैठे हुए हैं, सरकार ने उस दिन अपील भी की थी, आपको याद होगा हितेन, कि बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को कम से कम इस आंदोलन से दूर रखिए, उनको आप घर भेज दीजिए। अब देखिए बारिश भी हो गई है, ठंड बढ़ रही है और जैसा मौसम विभाग का अनुमान है कि ये ठंड अभी अगले 10 दिनों तक किसी तरीके से सताएगी। तो ये चिंता सरकार की भी है, लोगों की भी है कि जो सड़कों पर अन्नदाता है वो अपने घर जाए। ये जो टाइम फ्रेम अगर होगा, अगर कमेटी पर एग्री करते हैं तो शायद किसानों की तरफ से ये कहा जाए कि ठीक है आप टाइम फ्रेम बनाइए, उसकी एक डेडलाइन तय हो, 1 महीने 2 महीने उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के बातचीत आगे बढ़ेगी 4 तारीख की बैठक में। लेकिन अगर किसान ये कहेंगे कि नहीं हमें कमेटी मंजूर नहीं है, हम कमेटी में शामिल नहीं होना चाहते, तो फिर एक लंबा डेडलॉक हो जाएगा। ये डेडलॉक कोई नहीं चाहता। ऑफ द रिकॉर्ड कई किसान नेताओं ने ये भी कहा है कि देखिए हम 20 मांगों को लेकर आगे चलते हैं, अगर सरकार 18 पर मान जाती है तो 2 मांगों पर हम आगे बातचीत को, प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही देखना पड़ेगा कि जो 4 तारीख को जो बैठक होने वाली है उस पर जो 40 किसान नेता जो जाते हैं वो इस पर क्या एग्री करते हैं नहीं करते हैं, कि अगर सरकार की तरफ से कहा जाए कि थोड़ा सा और टाइम लिया जाए तो क्या ये टाइम देने को किसान नेता तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। हितेन देखिए प्रत्युष, वही सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए ये जिस तरीके से MSP पर लगातार अपनी डिमांड जो है वो बदलते नजर आ रहे हैं, जब 38 दिन पहले जब दिल्ली पहुंचे थे, 26 नवंबर को जब यहाँ पहुंचे थे सिंघू बॉर्डर, तब इनकी मांग थी कि MSP पर इन्हें एक गारंटी मिली रहे। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सरकार बात कर रही है उसमें जो कॉरपोरेट घराने अगर इनकी फसल खरीदेगी भी तो जो MSP है उसके नीचे ना खरीदे, उसके ऊपर खरीदे, या MSP का जो मूल भाव है वो उन्हें मिलता रहे, उस बात की उन्हें गारंटी चाहिए थी। इसीलिए ये वो लगातार मांग करते रहे थे कि MSP पर गारंटी बनी रहे। लेकिन आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया इनकी डिमांड जो है ये बदलती चली गई। लगातार ये पहले गारंटी कहते रहे, फिर उसके बाद जब सरकार ने कहा ठीक है हम लिखित में देने को तैयार है, तो अब कह रहे कि नहीं अब हमें MSP एक्ट ला के दीजिए। और उसके साथ साथ ये भी जोड़ दिया कि देश भर में जितनी फसल किसान बोता है उस सारी फसलों की MSP रेट जो है वो तय करके दे दीजिए। यानी कि ये लगातार अपनी डिमांड बदल रहे, ऐसे में सरकार की मुसीबतें जो है वो और बढ़ती जाएगी, क्योंकि सरकार एक के बाद एक अगर इनकी इसी तरह सारी डिमांड मानती रही तो ये तो एक के बाद एक ऐसे सारी और डिमांड जो है वो सरकार के सामने टेबल पर रखते जाएंगे। इसीलिए सरकार जो है सबसे पहले 4 जनवरी को ये कोशिश करेगी कि MSP का मुद्दा जो है हम इसको अभी थोड़ी देर साइड में रख देते, कुछ दिनों के लिए इसे साइड में रख देते, सबसे पहले आप समिति के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप समिति के लिए तैयार हो जाते इसका मतलब कि आप जो है तीनों कानूनों को मंजूरी दे रहे हैं, अगर तीनों कानूनों को मंजूरी मिल रही है तो आप संशोधन के लिए तैयार हो चुके, ये सरकार उन्हें सबसे पहले मनाएगी। अगर संशोधन के लिए तैयार हो रहे तो कानून उनके हिसाब से बन जाएंगे, उसमें वो MSP का मुद्दा भी जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अगर समिति बनती है तो समिति बनना बहुत जरूरी है। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।